कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी। जीत भी हार भी फूल भी खार भी। चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए, कुछ शहद घोल दो प्यार से बोल दो। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विभाग बात में। विभाग बात में अक्सर विष्णु जी आते रहते हैं और विभिन्न विषयों पर बात होती है, खाली कविता या साहित्य की बात हम नहीं करते हैं। बड़ा कठिन होता है, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया, इस जमाने में सबसे कठिन है मिश्री घोलना और प्यार से बोलना। बहुत कठिन नहीं है, लोगों ने कठिन बना दिया है। प्यार एक नेचुरल फिनोमेना है और जो नेचुरल चीज़ होती है बहुत आसान होती है, हम लोग खुद ब खुद उस चीज़ को कठिन करते चले जाते हैं, उसमें नफरत के बीज डाल देते हैं थोड़े से, जबकि ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। और इसी तरह से प्यार और मनुहार, खुशबू, ये सब इतनी आसान चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले ने बनाई हैं और ऊपर वाले ने मनुष्य के लिए, मनुष्य को उलझन में डालने के लिए नहीं बनाई, उसकी संवर्धन के लिए बनाई, उसका विकास कैसे हो इसलिए बनाई। और लोगों ने खुशबू में बदबू डालना शुरू कर दिया, मोहब्बत में नफ़रत डालना शुरू कर दी, फूलों में कांटे डालने शुरू कर दिए। तो हम लोग खुद अपने आप अवरोध पैदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी मुश्किल करना शुरू कर देते हैं। विष्णु जी, अलीगढ़ से आते हैं उत्तर प्रदेश के, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से एक शेर आपको समर्पित करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बनावटीपन कहीं भी नहीं होना चाहिए। आपने नीचे वाला मिसरा कहा कि अगर मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बिल्कुल मेरी नेचर का शेर है ये, मुझ पर भी नहीं आता ये दिखावा। जो बाहर है वही अंदर है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मोहब्बत करता हूँ, वो अंदर भी होगी मेरी। लेकिन मुझे लगता है विष्णु जी कि नाम बदलते हैं, आप मोहब्बत कह लीजिए, इश्क कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, ये सब तो हमारे संस्कारों से पैदा होते हैं। अगर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके परिवार के लोग आपको बहुत स्नेह करते हैं, तो आप भी लोगों को अटूट स्नेह करना शुरू कर देते हैं। तो सब तो मिलता तो घर से ही है, परिवार से ही है। हाँ, घर परिवार से मिलता है, और जिसमें ये नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होती, वो फिर परिवार परिवार नहीं होते, वो फिर एक खंडहर हो जाते हैं, एक शमशान की तरह हो जाते हैं। आप रह लीजिए लेकिन आपको घुटन महसूस होगी। तो हमें अगर परिवार को एक रखना है और परिवार को बचाना है तो मोहब्बतों से रिश्तेदारी करनी पड़ेगी, नफ़रतों से हमें दूर भागना पड़ेगा। चाहे वो दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ते हों, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखे हैं बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जो ये पूरे शहर में पता है कि साहब ये बहुत जॉइंट फैमिली है और इसमें बहुत सब लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन किसी परिवार को उसकी एक व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, उससे बात करके देख ली, तो उसके अंदर इतना तूफान भरा हुआ है कि वो कहेगा कि साहब बड़ी मजबूरी में रह रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई इतना, मेरे पिताजी इतना कमाते हैं और मुझे थोड़ा सा देते हैं, भाई को ज़्यादा दे देते हैं। तो अंदर वहाँ भी विषमताएँ हैं, इसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। चाहे वो साझेदारी हो चाहे वो रिश्तेदारी हो, दोनों में दिल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। दिल का बड़ा, अगर दिल वाकई बड़ा हो तो परिवार परिवार बन जाता है, घर 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 बन जाता है। और कहते हैं हमारे यहाँ तो जो परिकल्पना है वो घर के मंदिर होने जैसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मंदिर भी एक मोहब्बत का एक प्रतीक है। जहाँ मोहब्बत नहीं होती वो घर मंदिर हो ही नहीं सकता। तो जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे आपकी पंक्ति याद आ रही है कि आप आमंत्रित कर रहे हैं किसी को और कह रहे हैं कि मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा।
हाँ बहुत प्यारा गीत है, बहुत पुराना गीत है। रात को भी मैं जब यहाँ एक कार्यक्रम में आया था तो मैंने अपनी पसंद के दो गीत सुना, उसके बाद जिस के लिए फरमाइश आई नीचे से, और अशोक चक्रधर जी का क्रम था मेरे बाद, और कीर्ति काले उनको बुलाने के लिए खड़ी हुई, तो कीर्ति काले को खड़े नहीं होने दिया पब्लिक ने, लेकिन एक गीत ज़रूर होगा और वही वाला गीत होगा, हम भी वही वाले गीत तो मजबूरन ये मोहब्बत है कि आप वही गीत। और मेरी खुशनसीबी है आपके इस स्टूडियो में दूसरी तीसरी बार आया हूँ, और शायद इस गीत को पहले नहीं सुना पाया था, तो आज इस गीत को सुनाता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। अब ये गीत आपको कितना अपील कर रहा है मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, लेकिन मंत्र मुग्ध कर देता है गीत। इस गीत के पीछे बड़ी जोरदार कहानी है, अगर आप कहें तो सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत आज से 20 वर्ष पूर्व अशोक चक्रधर जी एक शो किया करते थे वाह वाह, उसमें मैंने इस गीत को पढ़ा, तो जब ये टेलीकास्ट हुआ उस समय मुंबई में बैठे हुए थे मनोज कुमार जी, जिन्होंने क्रांति फिल्म बनाई है, रोटी कपड़ा मकान बनाए, तो इस गीत को सुन के एकदम वो थ्रिल हो गए। अब तुरंत उन्होंने अशोक चक्रधर जी को फ़ोन किया, बोले भाई ये लड़का कौन है, गीत बहुत अच्छा है, मेरी बात कराइए। अशोक चक्रधर जी ने हमको फ़ोन किया, बोले भाई मनोज जी ये तुमको याद कर रहे थे, हम तो इसी बात से अंदर गदगद, एक फिल्म का इतना बड़ा आर्ट अभिनेता और हमको याद कर रहा है। हमने फ़ोन मिलाया उनको, तो हमारी जैसे हमने हेलो किया तो मैंने कहा जी मैं विष्णु सक्सेना बोल रहा हूँ अशोक चक्रधर जी के माध्यम से। अरे विष्णु बहुत बड़ी बेस वाली आवाज़, भारी आवाज़। अरे भाई तुम कहाँ थे इतने दिनों तक, मैं तुमको तलाश रहा था, क्या अदायगी है तुम्हारी भाई, क्या पढ़ते हो गीत तुम, हाँ तुम मुझसे मिलो भाई जरा। वो कौन सा गीत था? अब देखिए फिल्म वालों को बड़ा बड़े असली वो आते हैं उनको टैक्ट, वो क्या गीत था तुम्हारा, ये बात टेलीफोन पर हो रही है जी थाल को, हाँ 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 बहुत, जरा सुनाई जरा स्थाई। मैं उस समय मार्केट में था, अब मैं मार्केट में एक कोना तलाश के उनको स्थाई सुना रहा हूँ, इसका अंतरा क्या है? मैंने कहा सर मार्केट में सुनाना बड़ा मुश्किल है, मैं अभी 5 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ, मैं घर पहुँचता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, घर पहुँच पाया तब तक उनका कॉल आ गया। हाँ वो अंतरा क्या था इसका, वो अंतरा सुना उन्होंने, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा गीत सुन लिया। उसके बाद फिर वो बोले मुझसे कि विष्णु ये तो बहुत बढ़िया गीत है, ये ऐसा थॉट कोई लाया नहीं कि मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, एक पंक्ति ने थ्रिल किया था उनको। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ द पेट्रियट नाम की, और ये गीत मैं उसमें लूँगा, तुम इसमें ये डाल सकते हो। उनकी फिल्मों में बारिश वारिश ज़्यादा होती थी, मेरी लाखों का सावन जाए रहे तेरी दो टकिया की नौकरी, हर फिल्म में बारिश होती थी, तो सावन का महीना, तो सावन का, हाँ तो लेकिन बारिश नहीं आ सकती क्या इसमें, इसमें फूल फूल नहीं आ सकते, झरने नहीं आ सकते। मैंने कहा सर आप क्या क्या चाह रहे हो, तो बोले कि आप, मैंने कहा आप मुझे सिचुएशन बताइए मैं लिख दूंगा। बोले कि नहीं 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 ऐसे नहीं, हम तुमसे लिखवाएंगे फिर तुम्हारे हिसाब से सिचुएशन बनाएंगे, ये नहीं कि हम आपको काठी दे दें फिर हम आपसे कहेंगे इसके नाप का मुर्दा लेके आइए, नहीं मुर्दा जिस नाप का है उसी हिसाब से काठी बनाई जाएगी। तो बोले कि मैं गीतकार की आत्मा को नष्ट नहीं करना चाहता, गीत की आत्मा बनी रहनी चाहिए, और फिर आपने हमारे हिसाब से गीत लिखा फिर क्या मतलब, आपके भाव आपकी आत्मा रहनी चाहिए गीत। मैं उस आदमी का मुरीद हो गया, और वो गीत फिर उसकी बहुत सारे उन्होंने, फिर मेरी डेली बात होती थी, और उन्होंने मुझसे 13 अंतरे लिखवाए एक गीत इसी वाले गीत के, फिर उस 13 अंतरों में से 5 अंतरे छांटे, और 5 अंतरों में से 3 अंतरों की रिकॉर्डिंग की। आप आपकी पसंद का कौन सा अंतर है इसमें? मेरी पसंद का शबरी के तो सारे बेल मीठे हैं, मेरे तो सारे पूरा गीत अच्छा है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा,
आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से नना पो डगर, डगमगाते डगों से नना पो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। अगला बंद जो नीरज जी को बहुत पसंद था, उन्होंने कहा विष्णु तुमने इस अंतरे में कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रयोग नहीं है साहित्य में जैसा प्रयोग होते होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि काम बहुत अच्छा किया है तुमने, वो उदाहरण बताता हूँ। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनिया लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। गीत का अंतिम बन, कभी कभी जब हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश हो जाते हैं वहां इशारे काम करते हैं, एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़ी। क्या बात है, हमारे बड़े कवियों ने कहा कि मुश्किल लिखना बड़ा आसान होता है, आसान लिखना बहुत कठिन होता है। एक मुश्किल सी बात आसान से लफ्जों में कहता हूं। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नहीं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, आइए आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। अब ये बताइए सबके पीछे प्रेरणा कौन है, इंस्पिरेशन कौन है? वैसे तो तेरा जिक्र जमाने में करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि तेरा नाम ना आए। ये तो संभव नहीं है, यहाँ तो नाम आना भी चाहिए। और लोग जानना भी चाहते हैं कि विष्णु सक्सेना डॉक्टरी कर रहे थे अच्छी भली, बड़े डॉक्टर होते खूब, आज भी हैं, और कहाँ चिकित्सा विज्ञान से आप साहित्य के क्षेत्र में आ गए? ये सबके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे, इसलिए वो कविता का कीटाणु मेरे अंदर आ गया, रगों में आ गया। हाँ, म्यूज़िक जो मैं अच्छी तरह गा लेता हूँ वो मेरे चाचा जी क्लासिकल के बहुत मास्टर। आपके दादाजी का नाम क्या था? श्री चंद्रभान सक्सेना शशि रवि के नाम से लिखते थे। मेरे चाचा जी डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी मेरठ में थे, वो क्लासिकल के मास्टर पीस आदमी थे, वो थोड़ी रहे वो
हाँ उस्ताद शायर है, उस्ताद संगीतकार हैं, उनके कीटाणु मेरे अंदर आ गए, तो एक कॉकटेल हूँ मैं एक तरह से साहित्य का और म्यूजिक का। नहीं, आपके चरणजी भी बहुत अच्छा गाते हैं, सारांश। हाँ, मेरे दो बेटे हैं, सारांश और चित्रांश। मैं सारांश के बारे में बताना चाहूँगा, एक वीडियो आया और मैं उस वीडियो को पहले ये समझ के सुनता रहा कि मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना को सुन रहा हूँ। बाद में जब उसके बारे में पढ़ा वीडियो के बारे में, तब मुझे लगा कि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि आपकी आवाज़ है या ये मजाक है। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, आपसे पूछा, तो आपने कहा नहीं, ये सारांश की आवाज़ है। वो कभी कभी शक्ल से भी थोड़ा भ्रम हो जाता है, वो बिल्कुल कॉपी है मेरी, मैं जैसा दिखता था अपने समय में बिल्कुल वैसे ही दिखता है वो। ईश्वर प्रदत्त है, हेरिडिटी आ गई है उसके अंदर, वो गाता बहुत अच्छा है। और छोटा बेटा चित्रांश है, वो लिखता बहुत अच्छा है, तो यहाँ भी बट गए हैं दोनों लोग। बड़े बेटे में मेरे ज़्यादा गुणा है, छोटे बेटे में मम्मी के ज़्यादा गुणा है, वो मम्मी की शक्ल पर गया है, तो हमारे आपस में लड़ाई नहीं होती, भाई एक तुम्हारा एक हमारा है। लेकिन ये मसला मेरा वहीं रह गया कि आपकी प्रेरणा कौन ले, लिखते किसके लिए हैं? क्योंकि एक आपका बड़ा बहुत शानदार जवाब होता है जो मेरे जहन में है कि श्री कृष्ण आपकी प्रेरणा है, वो करवाते हैं सब आपसे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग पपट हैं, पुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं भगवान की, वो हमसे सब आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है, हम करते चले जाते हैं। मुझे लगता है दुनिया के पहले कभी भी वही है वो। हाँ, दुनिया के पहले कभी भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने पहली कविता लिखी गीता के नाम से, इससे पहले कोई कविता नहीं लिखी गई दुनिया में, कोई काव्य नहीं उसके पहले, कोई काव्य नहीं था, पहला महाकाव्य उन्होंने लिखा श्रीमद् भगवद गीता, उसकी हम उनके हम अनुयायी हैं। और भगवान कृष्ण हमारी प्रेरणा हैं, क्योंकि हम मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं, ब्रिजमंडल के रहने वाले हैं, ब्रजभूमि के, तो वहाँ कृष्ण और राधा हमारे आराध्य हैं। और कृष्ण और राधा जो है प्रेम की सबसे बड़ी मूर्ति कहे जाते हैं, और वहीं से हमको प्रेरणा हुई। हम तो भौतिक प्रेम लिख रहे हैं, और भौतिक प्रेम लिखना बहुत आसान है, वो तो आध्यात्मिक प्रेम के पुरोधा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी श्रीमती जी वो अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, वो आप प्रेम की खूब कविताएं करते हैं, कभी वो आप पे तंज नहीं करती किस किस के लिए क्या क्या लिख रहे हैं आप? बात बहुत मार्के की कही है आपने। मेरी पत्नी ईश्वर, मैंने पता नहीं कितने पुण्य किए थे जो मुझे मेरी पत्नी वंदना मिली। और शुरू में ऐसा लगता था जब शादी हुई थी कि कैसे जीवन निभेगा, बहुत सीधी हैं वो, हैं तो साइकोलॉजी की। मैं एक थोड़ा सा फिर एक बीच में टोक रहा हूँ आपको, वो सीधी हैं, आप बदमाश हैं, मुझे लगा आप भी सीधे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा बदमाश हूँ, वो इसलिए कि इतने सारे लोग, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, तो अगर सीधा रहूँगा तो मुझे जीने नहीं देंगे लोग, तो थोड़ा सा तिरछा होना ज़रूरी है। तो वो बहुत सीधी हैं, और उनका योगदान ये है कि अगर वो मुझे सहयोग न करें, अगर वो थोड़ा सा कंजेस्टेड माइंड की होती, तो शायद मैं इस हिंदुस्तान को या विश्व को कविताएं नहीं सुना रहा होता। उनके दिमाग में ये होता कि इतनी सारी कवित्रियाँ इनके साथ रहती हैं, इतनी प्रशंसिकाएँ इनको ऑटोग्राफ लेती हैं, फ़ोटो खिंचाती हैं, अगर वो इसी बात को लेके घर बैठी रहती और मुझसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करती, तो शायद मैं शायद कविता नहीं लिख पाता, न मंच पर परफॉर्म कर पाता। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों के लिए। सबको ब्रॉड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके चैनल में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, अगर इनके माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप ये सोच लें कि वहाँ जा रही हैं, ये पता नहीं कैसे ऑफिस चला रही होंगी, तो उनके माँ बाप का भी ब्रॉड माइंड होना बहुत ज़रूरी है, इन बच्चों का भी ब्रॉड माइंड होना ज़रूरी है। ये भी माँ बाप को विश्वास दिलाएं कि हम घर से जा रहे हैं तो पूरे आपके विश्वास को खंडित नहीं करेंगे। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है परिवार में, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पिता पुत्री के बीच में हो, चाहे बहन भाई के बीच में हो, चाहे ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में हो। जी, ये इस सारे आपने जो विश्वास की व्याख्या की, इसी से प्रेम उपजता है। यस, विश्वास जो है ना, हर प्रेम की नींव में है, अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रेम पनप नहीं। तो डॉक्टर विष्णु जी ने वंदना जी के लिए क्या लिखा? मैंने जब वो आई थी मेरे घर में, तब मैंने उनको गीत एक प्रेजेंट किया था। मैंने एकदम सीधा सवाल ठोका है आपको, आप सीधा ही करते हो, आप सीधी बात है आपकी सी। तो मैंने गीत उनके लिए लिखा था, एक अंतरा मुझे याद है, बहुत पुराना गीत हो गया। हथेली पर
तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा हथेली पर, तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा कुंवारी मांग सिंदूरी सितारों से सजा दूंगा हथेली पर तुम्हारी आज में। अब मैंने उनको शिक्षा दी कि आप हमारे घर पे आएंगी तो आप हमारे सारे नए सदस्य हैं, उन्हें कैसे फेस करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना अपने भाई के बारे में, मैं जानता हूँ ना मेरी माँ के बारे में, पिता के बारे में, तुम दूसरे घर से आई हो तुम्हें क्या पता, और इतनी जल्दी बैलेंस भी नहीं बन सकता। गरजते हैं बहुत बादल, तुम्हें निर्भीक रहना है। क्या बात है, गरजते हैं बहुत बादल, गरजते हैं बहुत बादल, तुम्हें निर्भीक रहना है। पहाड़ों की तरह मौसम के हर रेले को सहना है। हाँ गहरी झील के मानिंद तुम गंभीर हो जाना, लगा के शूल सिरहाने नयन को मूंद सो जाना। तुम्हारी भूमिका होगी, तुम्हारी भूमिका होगी, कहानी मैं बना दूंगा हथेली पर तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा कुंवारी मांग सिंदूरी सितारों से सजा दूंगा हथेली पर तुम्हारी आज मैं। इस गीत में इस एक बंद मुझे याद है, बाकी चार बंद का गीत है, बहुत प्यारा गीत था, बहुत पुरानी बात हो गई इसलिए आपने कोरेज दिया इसलिए मुझे सुनाना पड़ा। इस गीत में जो चार पंक्तियां जो शुरू की थी उसमें बहुत बड़ा मैसेज था पत्नी के लिए, गरजते हैं बहुत, ये हर आने वाली नई बहू के लिए मैसेज है। बिल्कुल, बच्ची जो दूसरे घर से आती है उसको समझना चाहिए कि हम नए माहौल में जा रहे हैं और हमको कैसे फेस करना है। गरजते हैं बहुत बादल, तुम्हें निर्भीक रहना है। ये नहीं कि अगर ससुर ने कुछ बात कह दी या ननद ने कोई बात कह दी तो आप लठ लेके पिल पड़े या उसको अपशब्द बोल दें। पहाड़ों की तरह मौसम के हर रेले को सहना है, कितनी ही बाधाएं आती हैं, पहाड़ ज्यों की त्यों खड़े रहते हैं, आप डर के आत्महत्या मत करिए। हाँ गहरी झील के मानिंद तुम गंभीर हो जाना, कोई भी सास कुछ भी कहे, ननद कुछ भी कहे, ससुर कुछ भी कहे, जेठ कुछ भी कहे, गंभीरता से सुनिएगा, मनन करिएगा। झील जो होती है उसके अंदर कितने जानवर होते हैं, उथल पुथल नीचे के नीचे करते रहते हैं, ऊपर तरेटी बिल्कुल शांत रहती है। लगा के शूल सिरहाने नयन को मूंद सो जाना। तुम जब ऐसा करोगी तो लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, हो सकता है तुम उस परिवार की देवरानी हो, जेठानी हो सकता है पहले से क्रांतिकारी रही हो, आपका व्यवहार देख करके वो भी ठीक हो जाए, इक्वल हो जाए, सब बोले कि ये मेरी देवरानी आई है कितनी अच्छी है, मेरी सास कहता बोलती रहती है फिर भी कुछ नहीं जवाब देती। आपने ये पंक्तियाँ सुना दी वंदना जी को, उनको मालूम था आप कवि हैं? हाँ पहले से पता था उनको, क्योंकि ये होता ना कि चिकित्सा के साथ ना, शादी तो चिकित्सक मान के हुई थी, लेकिन उनको ये पता था कि मैं कविता करता हूँ, लेकिन हाँ उनको ये पता था, उनको चिकित्सक होने से नफरत थी। उनको किसने बताया होगा कि डॉक्टर लोग बड़े करप्ट होते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते थे ना डॉक्टर के, डॉक्टरों के नर्स से संबंध होते हैं, और तो उनको इस तरह से सारे डॉक्टर एक जैसे होते होंगे, तो उस तरफ से थोड़ा सा वैसा था, लेकिन कवि मैं था तो उसके लिए वो कभी ऐसा उन्होंने, कई कभी ये कहते हैं कि साहब बड़ी मुश्किल से शादी हुई, लोग कहते हैं कवि से क्या शादी करें, कोई कविता कोई व्यवसाय है क्या, कोई पेशा है क्या ये?
साहित्य साधना को लोग गंभीरता से नहीं लेते, अलग अलग सोच है लोगों की। हमारे एक दोस्त हैं अरुण जैमिनी, वो सुना रहे थे किस्सा कि मैं शायद मेरी 30 वर्ष का हो गया, मेरी शादी नहीं हुई, जो भी आता ये पूछता कि ये लड़का क्या करता है, तो मेरे फादर कहते ये कवि है, तो भी शादी नहीं करेंगे। फिर दूसरा वो आता इसकी शादी कर लीजिए, हाँ करेंगे, लड़की भेजिए, तो लड़की वाला आता है, भाई आप क्या हैं साहब, बोले मैं कवि हूँ, इसके अलावा बताओ क्या करते हो आप। तो उनके जब 5-6 रिश्ते वापस हो गए तो उन्होंने सोचा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने 4-5 लाख रुपए लगा के उस समय एक लिमिटेड कंपनी खोली जिसमें तेल वेल बनता था। फिर जब रिश्ता आया, शादी हो गई, उन्होंने शादी के तीसरे दिन ही वो कंपनी बंद कर दी। बोले अब क्या करना, आप शादी हो गई, घर कविता से ही चलना था। तो लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। आज उनके पिताजी कहते हैं अच्छा हुआ आपने बंद कर दी, घर तो इसी से चल रहा है। अब वंदना जी को कैसा लगता है, क्योंकि आप लगभग तो टूर में रहते हैं पूरा समय। वंदना जी कहती हैं कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस घर में आई, और यही मेरे बहुएँ जो आई हैं, तो एक प्रिया नाम की बिटिया है, एक मरी बहू, वो तो लव मैरिज हुई दोनों की और एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये दूसरी शादी हुई स्वेच्छा, वो भी लखनऊ की है। ये दोनों बच्चे समझते हैं कि हम जिस परिवार में आए हैं वो बहुत रेपुटेड है, हमारे घर वालों की इज्जत है, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को। हमें भी लगता है कि चलो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य और संगीत का परिवार है। हाँ, साहित्य और संगीत का परिवार, और जो परिवार साहित्य और संगीत से जुड़ा होता है वो समाज में तो सम्मानित होता ही होता है। और जब आप मंच पे कहते हैं कि तुम मेरी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तब वंदना जी क्या कहती हैं? देखिए, शो केस में कुछ और होता है, गोदाम में कुछ और होता है। ये जो तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, ये मंच का शो केस है, शोरूम है, तो हमें ये मंच पे जनता को लुभाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गोदाम में तुम्हारी आध्यात्मिक कविताएँ हैं जो समाज को इसका कोई बंद सुनाइए ना, बहुत अद्भुत लग, सुनने में बड़ा मजा देती है। लेकिन नहीं, वैसे भी मजेदार है। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में नफरत की दौड़ हो तो वहां पीछे हट जाइए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा उड़ कर देखिए, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात, बहुत लंबा गीत है, आपने एक बंद के लिए कहा, एक बंद पर दिया। जब रीत पर नाम, मतलब मुझे लगता है कि आपके जीवन का जादू है वो पंक्तियाँ, मुझे ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि नहीं? मैं नहीं, लगता है, बिल्कुल लगता है कि आज जिस गीत से मेरी पहचान बनी है वो मेरा वही गीत है। तो जब ये लिखा तो उसके बाद भाई सबसे बड़े समीक्षक तो हमारे परिवार में घर में ही होते हैं, तो वंदना जी की राय क्या थी इसको लेकर? देखिए, कोई भी गीत होता है, मैं जब लिखता हूँ तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाता हूँ, क्योंकि हमारा पहला श्रोता वही होती है, और जब वहाँ से पास हो जाता है तो फिर हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद मंच पे आता है वो गीत। तो इस पे उनकी राय क्या थी इस वाले? हालांकि वो लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं रही कभी, लेकिन कविता तो ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है, सब्जी बेचने वाला है उसको भी समझ में आएगी अगर आसान जबान में लिखी हुई है। तो जहाँ कहीं गलत हो ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं, तो बता देती हूँ,
कि वो आम श्रोता की तरह सुनती हैं उसे, एक कवि की पत्नी की तरह नहीं सुनती हो। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बहुत आगे ले जाएगी कविता। हाँ, उन्होंने कहा था, ये 25-30 साल पुरानी बात हो गई, 30 साल पुराना गीत है मेरा ये। तो उन्होंने कहा था वाला माइलस्टोन गीत है आपका, और इसका जो मुखड़ा है ना वो ही पहली पंक्ति जो ऐसी है जो सीधे दिलों पर टिक करेगी। और ऐसा ही हुआ धीरे धीरे करके। उस समय ऐसा लगता था गीत मैंने लिखा है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर आके ऐसा लगता है कि गीत मैंने नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया है ऊपर वाले ने। देखिए बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जिन्हें जो अपील नहीं करते। हमारी बहुत सारी कविताएं 5 संकलन आ गए हमारे, लेकिन उनमें से कोई गीत कोई पॉपुलर नहीं हुआ। इसी में ऐसी क्या ख़ास बात थी, जब ऊपर से कोई वेव्स आई तब वो वेव्स शब्द बन के कागज़ पर उतरी, वो वेव्स जो है ऊपर वाले ने भेजी है। जिस शब्द पे, जिस कविता पे ऊपर वाले की कृपा हो जाती है, माहौल लग जाती है ना, उसको पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले एक श्रोता थे, अब 5 श्रोता हैं घर में। हाँ, 5 श्रोता हैं। अब मिलीजुली प्रतिक्रिया आती होगी। बहुएं तो अभी नई हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा संकोच करती हैं, लेकिन हाँ बच्चे मेरे बहुत सीधे सीधे बोल देते हैं, ये चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। अब दोस्त हैं मेरे दोनों बच्चे, तो उनसे दोस्ताना व्यवहार है। बहू हैं अब जरूर थोड़ी, सारांश और चित्रांश। अभी खैर बड़ी बहू ने तो क्या काफ़ी सुना, वो पुरानी हो गई। छोटी वाली हमारी जो स्वेच्छा श्रीवास्तव है, वो पहली बार किसी कवि सम्मेलन में गई थी। वो बड़ा यूँ ही लेती थी मुझको, कैजुअल शुरू में, घर का जोगी जोगड़ा। हाँ, उसके पिता मेरे बड़े ज़बरदस्त फैन रहे थे, तो जब उनको लगा कि मैं किस परिवार में अपनी बेटी को दे रहा हूँ, तो उन्होंने आँख बंद करके अपनी बेटी मुझे दे दी, समझ लीजिए। लेकिन उनकी बेटी को नहीं पता था कि मैं किस परिवार में जा रही हूँ। अब जब उसने देखा कि इतना सारा ताम तमीड़ा इकट्ठा है, इनाम और प्राइज और ये मोमेंटो, तो तब भी उसने सोचा कि यूँ ही होगा, क्योंकि नए बच्चे नई दुनिया में जी रहे हैं, नोएडा और दिल्ली के चमक दमक में, उनको लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन वो कवि सम्मेलन सुनने गई गाज़ियाबाद में, पीछे की रो में बैठी होती है दोनों हस्बैंड, मेरा बेटा और बहू। जब इसी गीत पे रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा पे, और ये तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दो, जब ये गीत जनता मेरे साथ गा रही थी, तब उसको लगा ये पापा तो बहुत कोई ऊँची चीज़ है। और फिर लोग जब मेरे साथ गा रहे तो दूसरा उसको डांट रहा था, क्या यार तू एक एक पंक्ति आगे आगे बोल रहा है, हम सुनने दे उनको। तो श्रोताओं की लड़ाई होती, तो जो श्रोता आपस में लड़ रहे थे उनकी वीडियो बना रही थी वो। तब फिर उसने बताया, बोले पापा जी आप तो गजब सुनाते हो, मैं तो यूँ ही समझ रही थी। तो अब उसकी नज़र में हम ठीक ठीक हो गए। तो कुल मिला के परिवार में सब लोग कविता पसंद करते हैं। दखल भी आपका है, आप दखल परिवार। ये तो खैर मेरा परिवार है। ये 2 लाइनें भी सुनाई दीजिए ना, इतना भी। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी, और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मतलब इस गीत की खूबी यह है कि इसने बाहर तो स्थापित किया, घर में भी स्थापित कर दिया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मेरी बड़ी वाली बहू है, वो तो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे दोनों, मैं बेटा और ये बिटिया, तो इनके कॉलेज में मैं गया था एक बार कवि सम्मेलन में,
अब तो कैंपस में कविताएं हाँ, होती हाँ, हैं खूब। तो उसके कॉलेज में जब उसने पहली बार मुझे वहाँ सुना था, वो भी इस गीत से शादी से पहले ही फैन हो गई थी इस गीत की। तो अब कुल मिला के बच्चों, वो तो अच्छा आपकी समय रहते शादी हो गई, नहीं तो बहुत सारे शादी करने वालों की लाइन लग जाती है आपके पीछे इस गीत के बाद। तो नहीं है खैर, ये तो उसको ज़्यादा ही हो गया। नहीं, साहित्य के मुझे ऐसा लगता है आज भी कि संगीत और साहित्य ये दो ऐसी विधाएं हैं कि जब वाकई आपका मन विचलित हो तो आप संगीत में रम जाएं या साहित्य में चले जाएं। आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे, आप कभी अपना आपा नहीं खोएंगे, आप कभी गलत काम नहीं करेंगे। मेरे चाचा जी जिनका मैं जिक्र किया था, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी, वो भी मुझे बहुत कैजुअली लेते थे। वो संगीत के बड़े कवि थे और बड़े संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीत के, उन्होंने जाने कितने राग बनाए। तो मैं जब कहता था कि उनसे, बहुत बहुत डरते थे पिताजी से और चाचा जी से, तो हम उनसे कहते थे चाचा जी हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है टीवी पे, देख लीजिएगा। उस समय दूरदर्शन ही था तो वो नहीं देखते थे, क्या कविता वविता करता है। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पे हमारा CPC पे एक कार्यक्रम देख लिया, तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। फिर हम एक बार जब मेरठ गए तब फिर उन्होंने हमें अपने पास बिठाया, हमें पास भी नहीं बिठाते थे, कहा बैठ, मैं तेरी कविता सुनी उस दिन, अच्छा है, बढ़िया है। मैं ठीक लगी थी, हाँ तुझ में एक ख़ास बात है। मैंने कहा क्या, संगीत के थे ना वो दो। मैंने क्या ख़ास बात है, बोले तू सुर में है। सुर पकड़ा उन्होंने, हाँ तू सुर में है। आमतौर पे मैंने कभी देखे हैं 99% बेसुरे होते हैं, और तू सुर में है, और अगर कवि के पास कविता भी है और सुर में भी है तो वो मणिकांचन योग हो जाता है। तुझमें मणिकांचन योग है, इसलिए तू मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, अब तक मैं तुझे ढंग से सुनता नहीं था। फिर उन्होंने लगातार सारे कार्यक्रम देखे। तो जो आपकी बात कही ना आपने कि जो साहित्य से और संगीत से जुड़ा रहेगा उसके, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि संगीत तो डिप्रेशन का इलाज करती है भाई, जाने कितने राग ऐसे बने जो ठीक कर देते हैं पेशेंट्स को। कुल मिला के एक चीज़ और देखी कि मंचों पर अब असल कविता के लिए जगह कम हो गई थी, धीरे धीरे वापस मंचों पे कविता सुनी जाने लगी है। हाँ ये दुनिया का चक्र है सर, एक बार बहुत डाउन होगा, एक बार पतन इतना चुटकुले आ गए थे मंच पे, चुटकुले डांस कर रही थी हर जगह हर क्षेत्र में सर। ये नहीं कि पतन हुआ है तो फिर सिर्फ राजनीति में ही होगा, राजनीति में पतन होता है फिर अच्छे लोग भी आते हैं। ऐसी फिल्मी गाने बहुत ख़राब आने शुरू हो गए थे, दो अर्थी हो गए थे, डबल मीनिंग वाले, फिर अच्छी गीत आना शुरू हो गए। आपकी पत्रकारिता में भी बहुत डाउन हो गया था, पीत पत्रकारिता खूब होने लगी थी, अच्छे लोग आना शुरू हुए। इसी तरह हमारे कवियों में भी है। देखिए जब पतन होता है तो फिर हर क्षेत्र में पतन होता है, ऐसा नहीं कि राजनीति तो पतन होता रहे हम लोग बहुत अच्छे बने रहे। जब समाज के अंग हैं सब लोग, गिरेंगे तो सब गिरेंगे। आप देखो अध्यात्म गिर गया कितना, कितने हमारे बाबा लोग कहाँ से कहाँ चले गए, जेलों में पड़े हुए हैं। तो लेकिन कभी कभी तो किसी को नहीं छोड़ते, कभी तो समाज का आईना है, वो क्यों छोड़ेंगे। बाबाओं को भी नहीं छोड़ा है, किसी ने लिखा था कि कौए सब संत हो गए, मदारी महंत हो गए, तुम करते रहे अनसुनी दुख हमारे अनंत हो गए। ये दो ही कौम तो हैं जो खुल के बोल लेती हैं, एक पत्रकारों की कौम खुल के बोल लेती है कि हम लोग बोल लेते हैं, बाकी और तो कोई बोल नहीं सकता। आप लिख देते हैं, हम लोग, आप सुना देते हैं, पढ़ देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं बस, और फिर हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ कि भगत जगत को ठगत है, और जग को ठगे संत, और जो संतन को ठगे उसका नाम महंत, उसका नाम महंत। तो कुल मिला के यह साहित्य में भी आपने कहा कि मंचों पे गिरावट आई है, तो गिरावट अब ख़त्म हुई है धीमे धीमे करके, गीत का स्थान दोबारा बनना शुरू हो गया। एक दौर था कि गीत कोने में बैठा रहता था, एक दो गीतकार होते थे बस, बाकी सब हास्य रस के और वीर रस के कवि होते थे। वो एक दौर था समाज का जब लोग टेंशन में बहुत रहते थे, टेंशन को दूर करने के लिए आपको हास्य कविता का सहारा लेना पड़ेगा। राजनीति ने बहुत परेशान किया था उस समय, आपको ऐसा लगेगा कि इन नेताओं को गाली मिलनी चाहिए, तो वीर रस की कवि ने खूब दी गाली, हाँ वीर रस की कवि ने खूब गाली दी, तो जनता को ऐसा लगता था ये हमारी बात बोल रहा है, खूब तालियां बजती थी। अब धीमे धीमे करके ऐसा लगने लगा ये सब दिखावा है, मामला ख़त्म करो। चुटकुले भी दो अर्थी आने लगे, राजनीति में भी छूछापन हो गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई। राम मंदिर पर कविताएं लिखते तो राम प्रेम शाश्वत है, प्रेम सत्य है, प्रेम शाश्वत है। गीत जो कोने में बैठा हुआ था फिर मेन स्ट्रीम में आने लगा। अब चार चार पाँच पाँच गीतकार होते थे मंच पर, दो दो कवित्रियाँ होती हैं कि एक हास्य कवि हो गया, एक वीर रस का कवि हो गया। अब ये मंच पहले जैसे होने लगे,
जो पहले चटनी थी अब वो मेन खाना हो गया। तो लगता है कि अब हमें और भी ज़्यादा अच्छा दौर साहित्य में देखने को मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। आप बुरा सोचेंगे बुरा होगा। हम तो हमेशा ये अच्छा सोचते हैं कि हमारे मंच पे अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर युग में पैदा हुए, हर क्षेत्र में पैदा हुए। हम बुरे लोगों से थोड़ा सा किनारा करें, अच्छी तरफ जाएं। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि, और अपने शब्दों से, अपनी आवाज़ से दिलों के तार छेड़ देने वाले और मुर्दा लोगों में भी जीवन दे देने वाले विष्णु सक्सेना जी को। विष्णु जी, आपसे आज्ञा लें और चाहते हैं कि आप एक गीत और सुना दें, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो पंक्तियाँ। मैंने जिन चार पंक्तियों से इस वार्तालाप की शुरुआत की थी, उस गीत को पूरा करता हूँ। जहाँ से शुरुआत हुई इस वार्तालाप का, उसी से अंत करते हैं। ऐसा समझिए कि वो चार लाइन एक कोष्ठक था, बाकी का गीत मेरा दूसरा कोष्ठक है। इस कोष्ठक के अंदर हमारा पूरा वार्तालाप था। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी, चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। अगले पद में महाभारत काल के कुछ प्रतीक है। धूप की आंख टेढ़ी हुई छांव पर, धूप की आंख टेढ़ी हुई छांव पर, बंधु दो दो लड़े सिर्फ एक गांव पर, फिर से सीना फुलाए हैं कौरव खड़े, पांडवों की लगी अस्मिता दांव पर। वो प्रतीक आज के युग में सामंजस्य बिठा रहा हूँ। फिर से सीना फुलाए हैं कौरव खड़े, पांडवों की लगी अस्मिता दांव पर। फिर भी पॉजिटिव कि चीर खींचने तो दो, पीर उठने तो दो, पीर उठने तो दो, चीर खींचने तो दो, कृष्ण फिर आएंगे द्रौपदी के लिए। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी। गीत के अगले बंद में राम के युग के कुछ प्रतीक पढ़ता हूँ। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो, हर तरफ छल ही छल, आप चलिए संभल। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर हम किसी से पैसा निकाल नहीं सकते तो अपनी जेब का पैसा तो सुरक्षित रख लें, सीयू में हमारी जेब काट न ले जाए कोई। हर तरफ छल ही छल, आप चलिए। रोज सुबह सुबह फोन आ जाते हैं, लोन लेंगे आप। हर तरफ छल ही छल, आप चलिए संभल, स्वर्ण मृग बन के मारी चुराया निकल। ये नीली लाइन दबाइए और ओटीपी बताइए, आपका अकाउंट खाली। हर तरफ छल ही छल, आप चलिए संभल, स्वर्ण मृग बन के मारी चुराया निकल। लाज लक्ष्मण की रेखा की रख ली अगर, हो न पाएगा मकसद मैं रावण सफल, हो न पाएगा मकसद मैं रावण सफल। जितनी नुकसान होते हैं लालच में होते हैं, अगर आपने लालच त्याग दिया तो आप नुकसान में कभी नहीं आएंगे। लाज लक्ष्मण की रेखा की रख ली अगर, हो न पाएगा मकसद मैं रावण सफल, थी कटीली डगर जानते थे मगर, थी कटीली। मुश्किलें तो आएंगी अच्छे जीवन को जीने में, परिश्रम तो करना पड़ेगा तभी अकाउंट में पैसा आएगा। वो कह दे कि जरा इस पे ओटीपी दबाइए, 4 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा, सब फ्रॉड है। थी कटीली डगर जानते थे मगर, राम वन वन फिरे जानकी के लिए,
कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी भूल भी खार। अंतिम है कि इश्क है, यहां विष्णु सक्सेना बोलेगा, इश्क है बेमजा जिसमें वादा न हो, इश्क है बेमजा जिसमें वादा न हो, वो सफलता ही क्या जिसमें बाधा न हो, प्राण बिन देह जैसे अधूरी लगे, प्राण बिन देह जैसे अधूरी लगे, कृष्ण आधा लगे संग राधा न हो, प्राण बिन देह जैसे अधूरी लगे, कृष्ण आधा लगे संग राधा न हो, उंगलियां बेअसर कैसे फूटेंगे स्वर, उंगली सब अधूरे एक दूसरे के बिना, उंगलियां बेअसर कैसे फूटेंगे स्वर, दो अधर चाहिए बांसुरी के लिए, कुछ शहद घोल दो प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी भूल भी खार भी, चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए, कुछ शहद घोल दो प्यार से बोल दो। आपने दखल को बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार विष्णु जी। आप मुझे अपने परिवार में बुला लेते हैं, मुझे इससे बड़ा सुख नसीब नहीं होता भोपाल में। मैं इस बहाने आपका अपना परिवार देख लेता हूँ, इन बच्चों से मिल लेता हूँ, और आपका मोहब्बत यही आपका बड़ापन है, यही इश्क है, यही स्नेह है, यही अपनापन है। और मैं चाहता हूँ कि विष्णु जी की जो ये परंपरा है सारे समाज में फैले, और जहाँ तक नज़र जाए प्यार ही प्यार दिखे, प्यार ही प्यार पले। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।